इस सत्र के और स्वराज अभियान के और हम सब के मन के अध्यक्ष जी आनंद कुमार जी, हाँ ये हुआ था, चंद्रशेखर जी एक बार अध्यक्ष बने, वो जिंदगी भर अध्यक्ष जी रहे फिर उसके बाद और हम में से बहुत लोगों की इच्छा है कि हमारे अध्यक्ष जी रहें। हम सब के लिए प्रेरणा के, नैतिक बल के और खांटी सच के प्रतीक प्रशांत भूषण जी, और आज हम इस मुकाम तक पहुंच पाए उसे सुनिश्चित करने वाले हमारे महासचिव भाई अजीत झा जी, हर संगठन के इतिहास में एक ऐसा मोड़ आता है, एक ऐसी घड़ी आती है, एक ऐसा समय आता है जब वो संगठन अपने भविष्य के बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। आज वही घड़ी हमारे संगठन के लिए है। मेरा सौभाग्य है, मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मुझे इस प्रस्ताव को पेश करने का मौका मिला। दरअसल ये प्रस्ताव मेरा नहीं है, मुझे तो सौभाग्य मिला इसे लिपिबद्ध करने का, सौभाग्य मिला इसे स्वर देने का। मैं समझता हूं ये प्रस्ताव यहां बैठे हुए उन सैकड़ों साथियों का है, और इन सैकड़ों साथियों के पीछे जो हजारों कार्यकर्ता स्वराज अभियान से जुड़े हैं, जिनके प्रतिनिधि के रूप में आप यहां बैठे हैं, उन सबके मन का है। आज का मंच एक सही मंच है जहां हम उसकी बात कर सकते हैं, और आज की जो सभा है, हमारी प्रतिनिधि सभा, वो सभा है जहां ये प्रस्ताव रखा जाना चाहिए। आप सबको याद होगा 14 अप्रैल पिछले साल जब हम गुड़गांव में स्वराज संवाद के लिए मिले थे, उस समय बहुत साथी थे जो चाहते थे कि वहीं उसी क्षण पार्टी की घोषणा हो जाए, और पिछले साल सवा साल में मुझे बहुत साथी मिले हैं जिन्होंने कहा है कि आपने चूक कर दी, वहीं घोषणा, जब लोहा गर्म हो वहीं एकदम कुछ कर देना चाहिए, और वो कभी कभी दोष भी देते हैं कि माहौल तो वहां पार्टी बनाने का था, ये तो तुमने और प्रशांत ने बोल के माहौल बिगाड़ दिया। हो सकता है इसमें कुछ सच भी हो, लेकिन एक ऐसे साथी के बतौर जिसे आपने इतना विश्वास दिया, हमारा फर्ज बनता है कि हम जिस मौके पे समझें कि ये ठीक घड़ी किसी चीज के लिए नहीं है, वहां अपने साथियों को आगाह करें। हमने 14 अप्रैल को ऐसा किया और आपने अपने उदार दिल से हमारा आग्रह स्वीकार लिया। हमने 14 अप्रैल को एक प्रस्ताव पारित किया था, कई बार हम खुद ही अपने प्रस्ताव को भूल जाते हैं, इसलिए आपकी सुविधा के लिए वो सब प्रस्ताव हमने इस पुस्तिका में डाल दिए हैं जो आपके झोले में पड़ी है। ये जो पुस्तिका है ना, स्वराज संवाद से स्वराज संकल्प तक, ये जो पुस्तिका है इसमें आपको गुड़गांव के स्वराज सम्मेलन का प्रस्ताव, स्वराज संवाद का प्रस्ताव मिल जाएगा। हमने क्या कहा तब? हमने कहा कि हम राजनीतिक हैं,
हमने कभी एक दिन के लिए भी ये नौटंकी नहीं की कि साहब हम एनजीओ हैं, केवल समाज सेवा के लिए आए हैं, राजनीति से कोई मतलब नहीं है जी, कुछ नहीं करेंगे, बच्चों की कसम राजनीति को हाथ नहीं लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं बोला। हमने पहले दिन से कहा, हम वैकल्पिक राजनीति करने आए हैं। तो फिर सवाल यह था कि भाई पार्टी क्यों नहीं बना रहे। हमने मोटे तौर पे कहा था कि दो कमी है, दो कारण है हम पार्टी नहीं बना रहे। पहला कारण तो ये कि हमें इसके लिए अपनी ऊर्जा को संगठित करने की जरूरत है, बिखरी हुई ऊर्जा से कुछ काम नहीं हो सकता। हमें देश भर के अंदर अपनी आवाज को फैलाने की जरूरत है, देश भर में संगठन का ढांचा बनाने की जरूरत है। और दूसरी चीज कि हम इस देश की राजनीतिक व्यवस्था पे जो उंगली उठाते हैं और उसके कारण जो तीन उंगलियां हमारी तरफ उठती हैं, हमें उसका भी जवाब देना है। वो कौन सी तीन उंगलियां थी? आंतरिक लोकतंत्र, पारदर्शिता और जवाबदेही। ये तीन चीज हमें भी खुद करनी है। और हम जल्दबाजी के अंदर अगर कुछ कर लेंगे, पलट के लोग कहेंगे कि देखा कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, ये सब ऐसे ही होते हैं जी, एक दिन बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब खुद करने को आती है तो पता लगता है कि दूसरों से भी ज्यादा खराब निकले ये। तो इसलिए हमने कहा नहीं, हम तैयारी करेंगे। तैयारी करके जब हम स्थिति में पहुंचेंगे कि हम ऐसा कदम उठा सकें, उस दिन ये कदम उठाएंगे। और हमने पहले दिन ये घोषणा कर दी थी कि जब ये कदम उठाएंगे तो इस नए संगठन के केवल चंद नेता मिलके फैसला नहीं कर लेंगे, इसके तमाम कार्यकर्ताओं की राय लेके सबको शामिल करके एक बड़े अधिवेशन में ऐसा फैसला लिया जाएगा। ये सब गुड़गांव के पहले दिन के प्रस्ताव में लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। पिछले 15 महीनों में हमने इसकी तैयारी की है, हमने अपने लिए कुछ काम चिन्हित किए थे, वो काम किए हैं। बीच बीच में कभी लगता था कि काम की रफ्तार थोड़ी कम हो गई है, कभी कभी हमारे साथियों को लगा कि ये क्या, तुमने एक बार में आया यात्रा से पदया ये संवेदना यात्रा करके, आनंद जी ने बधाई भी दी, प्रशंसा भी की, इतने उदार लोग तो आपको दुनिया में ढूंढे नहीं मिलेंगे जितने आनंद जी हैं, प्रशंसा की, बहुत अच्छा किया, ये किया, वैसा काम तो दुनिया में कोई नहीं करता इत्यादि। फिर बाद में धीरे से सरकाया कि यार ये तुम जयप्रकाश वाले रास्ते पे क्यों फंस रहे हो, ये जेपी वाला रास्ता है, कहां ले जाएगा तुम्हारे को, हम यहां वैकल्पिक राजनीति करने आए हैं, केवल विनोबा जयप्रकाश वाला काम करने नहीं आए हैं। तो बीच बीच में ये भी लगा कि कहीं हम दूसरे रास्ते पे तो नहीं जा रहे। दूसरा मतलब बुरा नहीं, जिसको पवित्र माना जाता है लेकिन वो जो राजनीति से बहुत दूर होता है, कहीं हम राजनीति से भटक तो नहीं रहे। लेकिन मैं समझता हूं इस संगठन का जो साथ रहा है साथियों का, आनंद जी की एक जो दृष्टि रही है, जो छत्र छाया रही है, क्योंकि आनंद जी का एक अंदाज है, वो आपसे कुछ ऐसा काम करवा लेते हैं जो कर तो आप इसलिए रहे हैं क्योंकि आनंद जी चाहते हैं, लेकिन करते वक्त आपको लगता है कि मैं ही चाह रहा हूं इसलिए मैं कर रहा हूं, तो वो अपने तरीके से ग्लाइड करते रहे इस चीज को। अजीत भाई की जो राजनीतिक दृष्टि रही और प्रशांत जी का एक नैतिक मानदंड जो रहे, एक संगठन में जो समन्वय होना चाहिए इन सब चीजों का, वो सब रहा। और सबसे आगे बढ़ के इस संगठन के हजारों कार्यकर्ता जिन्हें साफ पता था कि वो आज इस संगठन के साथ जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसमें कोई तात्कालिक सफलता नहीं है, कोई कल को एमएलए नहीं बन रहा, किसी को मिनिस्टरशिप नहीं मिल रही, किसी को पंजाब और गोवा के अंदर लड्डू नहीं मिल रहे,
लेकिन वो ईमानदारी के रास्ते पे थे और उन साथियों ने बार बार कहा कि हमें इस व्यवस्था को बदलना है। जिस रास्ते पे आए थे, जो बदलाव करने के लिए आए थे, उस रास्ते से हमें अलग नहीं होना है। तो सबसे ज्यादा अपने साथियों का विश्वास, अपने साथियों की तरफ से हौसला अफजाई और यह भरोसा कि एक महीने में, दो महीने में, चार महीने में ये सब लोग छोड़ के भागने वाले नहीं है। किसी को एमएलए की टिकट के लालच के अंदर कहीं भाग नहीं रहे, ये लोग टिक के बहुत साल बाद इस देश में एक ऐसा संगठन बना है जिसमें टिक के धीरज के साथ इस देश में व्यवस्था परिवर्तन करने का मादा है, इसके लिए कुछ संकल्प है, इसने हमें क्षमता दी। पिछले कई महीनों से इस पे चर्चा चल रही थी। गुड़गांव के अंदर स्वराज संवाद की मीटिंग के बाद नवंबर के महीने में एक और बैठक हुई थी जिसमें हमने अपनी कसौटियों को बिल्कुल चिन्हित कर दिया कि हम क्या क्या करेंगे, ताकि ये ना हो कि बाद में कुछ मन कर जाता है ना चीटिंग का कि नहीं नहीं बस ये हो गया छोड़ो 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 अब कर लो। तो हमने उसको लिखित में चिन्हित कर लिया कि हम क्या कुछ करेंगे। और आज जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं वो हमारे पिछले 15 महीनों की सोच का एक तरह से इस सवाल पे निचोड़ है। उसको लिखने में इसके पीछे जो विचार है, जो ऊर्जा है, वो आपकी है। इसको लिखने में अगर कोई कमी रह गई हो वो मेरी कमी है, लेकिन विचार हम समझते हैं और हमें उस विचार पे चलना है। और चूंकि इतना महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, जैसा आपको याद है गुड़गांव में हमने लिखित वोटिंग करवाई थी, लोगों ने विश्वास नहीं किया था, हमने मीडिया के सामने ओपन वोटिंग करवा ली थी। और ये वोटिंग कोई 99-1 वाली वोटिंग नहीं थी, उसमें 26-27% लोगों ने कहा था कि नहीं पार्टी बनाओ। उसके बाद भी हमने खुली वोटिंग की, क्या डरना लोकतंत्र में इन चीजों से। इसीलिए आज भी इसके लिए, क्योंकि हमारे संगठन के लिए, संगठन के इतिहास के लिए ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, इसलिए हमने ये व्यवस्था की है कि इसका एक प्रॉपर सीक्रेट वोटिंग होगी जिसको हम यहां पे रखेंगे, जिसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। और ये वोटिंग गुड़गांव में तो था कि जिसने जिसको उस वक्त गुस्सा सा था, उत्साह था, वो सब लोग आ गए। लेकिन हमने कहा था पिछले साल डेढ़ साल से, एक बात मैं बार बार कहता हूं, साहब हम काहे के लीडर हैं, हम तो सेल्फ अपॉइंटेड लीडर हैं, अपने आप को हमने लीडर अपॉइंट कर दिया। जब इस संगठन में नीचे से ऊपर तक